मेरा साहस मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पापा, मेरी ताकत मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पापा। बच्चों के भविष्य को संवारने में जितनी भूमिका माँ की ममता और त्याग की होती है, उतनी ही भूमिका पिता के आदर्शों, संस्कारों और कड़ी मेहनत की भी होती है। बच्चे अपने पिता को देखकर ही अपना रास्ता चुनते हैं। पिता भी बच्चों के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। फादर्स डे पर टीवी के सितारों ने सोशल मीडिया पर पिता के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की। कई स्टार्स ने अपने पापा के साथ बचपन के पुराने दिनों को याद किया। भोपाल की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस ने भी इस अंदाज में अपने पापा को थैंक यू कहा। देखिए फादर्स डे पर इंडिया फर्स्ट न्यूज की ये खास रिपोर्ट। टीवी की संस्कारी बहू और घर घर में पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी दाहिया अपने पापा को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं। कुछ यूं उन्होंने पापा के लिए अपने जज्बातों को बयां किया। हेलो, मैं हूं दिव्यंका त्रिपाठी दाहिया और आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूं। मैं बहुत लकी होते हैं वो बच्चे जिन्हें अपने पेरेंट्स में बेस्ट फ्रेंड मिल जाए। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे पापा ने अपनी बेटी के लिए कभी कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाया था कि मैं इसे ऐसे संस्कार दूंगा, मेरी बेटी है, कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं। पापा मेरे दोस्त बने रहे और दोस्त रहते रहते पापा ने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल्स मेरे सामने पूरी लाइफ टाइम सेट किए हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैं पापा की बेटी हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से पापा के पदचिन्हों पे चलती रही। वो एनसीसी कैडेट थे तो उनके वो जब मेडल्स देखती मैं और उनकी बनाई हुई शिप देखती, शिप मॉडलिंग किया था पापा ने, तो उन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुई, तो कहीं ना कहीं मैं एनसीसी पापा के कारण गई। फिर पापा दवाई की दुकान है पापा की और वहाँ जाके मैंने भी बैठना शुरू कर दिया था। तो ये कह लीजिए कि जो थोड़ा बहुत लेन देन, पैसा पाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैंने पापा से सीखी। लोगों से बातचीत करना, एक जो लोगों के साथ सद्भाव बना के रखना, सो ये जो पीपल मैनेजमेंट स्किल है ये भी मैंने पापा से सीखा। हिंदी स्पेशली ये मैंने खास करके पापा से लिए धरोहर में, क्योंकि ही ऑलवेज हैड अ हॉबी ऑफ, हॉबी क्या है, मतलब उनकी तो आदत ही थी न्यूज़पेपर्स पढ़ना सुबह उठ के, और उनके कारण मैं भी हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती थी। स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी। ऐसी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने पापा से सीखी। जैसे जो ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े उसूल होते हैं उन्हें बड़े प्यारे और छोटे शब्दों में पापा बोल जाते थे कि बेटा तुम ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम बस अपना काम अच्छे से करो, काम अच्छा करोगे सब अच्छा मिलेगा। फिर लोग डरते हैं आमतौर पे कि उनके साथ कुछ गलत होगा या जो भी, पापा कहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है, ऊपर वाला सब ठीक करके देगा सही टाइम पे। सो ये जो एक बड़ी पॉजिटिव सी थिंकिंग है दैट आई गॉट फ्रॉम पापा, एंड आई एम ऑलवेज 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 थैंकफुल टू गॉड कि मुझे मिस्टर नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की बेटी बनाया। और ये जो मैं इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे रही हूँ ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बहन प्रियंका तिवारी और मेरा भाई ऐश्वर्य त्रिपाठी, माई सिस्टर शी इज़ अ काउंसलर इन बैंगलोर एंड मेरा भाई वो पायलट है, हैदराबाद में है, एंड हम लोग ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द इंस्पिरेशन वी गॉट फ्रॉम हिम। सो थैंक यू पापा फॉर बीइंग सो स्वीट, कभी गुस्सा भी नहीं किया हम पे, आप इतने प्यारे हो। सो हैप्पी फादर्स डे टू यू पापा, और सब बच्चों को आप जैसे प्यारे से पापा मिले। लॉट्स ऑफ लव टू यू। मेरे पापा मेरे हीरो, कुछ इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कहानी घर घर की ना आना इस देश लाडो ससुराल सिमर का में अहम किरदार निभा चुकी शिवांगी शर्मा ने। हैप्पी फादर्स डे पापा, आप जानते ही हो फादर्स डे तो एक बहाना है लेकिन हम लोग रोज आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। सबकी लाइफ में एक हीरो होता है
और मेरी लाइफ के हीरो आप ही हो। जो भी मैं आज तक कर पाई हूँ मुंबई जैसे शहर में रहते हुए, सब आपके सपोर्ट की वजह से कर पाई हूँ। आपने हमेशा इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतना सपोर्ट करा है। जितने भी मेरे सपने थे, मेरे ड्रीम्स थे, सबको हमेशा आपने बढ़ावा दिया है और मेरी सारी जिदें भी पूरी करी है, भले ही वो छोटी हो या बड़ी। बस हंसते हंसते सारी जिदें भी पूरी आप करते आए हो और अभी भी कर रहे हो। और बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मुझे लगता है भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे आपके जैसे पापा दिए। और ये दुआ भी करती हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें आप ही के जैसे सपोर्टिव पापा मिले, जो लड़कियों के सपनों को, उनके ड्रीम्स को बढ़ावा दें, सपोर्ट करें, उन्हें शक्ति दें कि वो उन सपनों को पूरा कर पाएं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी फादर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आपके सपोर्ट से ही हम हैं, तो थैंक यू सो मच। मेरा विश्वास मेरी ताकत है मेरे पापा, कुछ इस तरह पापा को थैंक यू कहा। जाने क्या होगा रामा रे, विश कन्या, ये शादी है या सौदा, और ये है चाहते जैसे सीरियल्स में अहम किरदार निभा चुकी भोपाल की टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे ने। स्ट्रेंथ, होप, मोटिवेशन, फेथ, ये सारी वर्ड्स मेरे लिए पापा के पर्यायवाची, सब सेम है। मैं आज जहाँ भी पहुँची हूँ, जो भी मैंने अचीव किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा और मम्मी के बिना मैं कहीं भी हो पाती। मैं अपना सारा क्रेडिट अपने मॉम और डैड को देती हूँ। वो लोग, उन लोगों ने मुझे पुश किया है आगे, और इनफैक्ट मैं शायद अगर इस फील्ड में नहीं होती, इंडस्ट्री में नहीं होती और कहीं और होती, तो भी शायद मैं अपने माँ और पापा के अलावा कुछ नहीं कर पाती उनके बिना। तो वैसे तो बचपन से लेकर आज तक एवरी डे शायद हमारे लिए फादर्स डे है, क्योंकि पापा के बिना हम कुछ नहीं हैं। लेकिन ये एक स्पेशल डे होता है जब हम शायद उन्हें बाकी सारे 365 डेज में से एक दिन उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू पापा। जो भी सिचुएशन हो, जो भी चल रहा हो लाइफ में, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू। और हैप्पी फादर्स डे, और मेरी तरफ से सारे। इश्क का रंग सफेद, एक था राजा एक थी रानी, और शुभान अल्लाह जैसे सीरियल से इंडस्ट्री में पहचान बना चुकी क्यूट एक्ट्रेस ईशा सिंह ने अपने पापा को कुछ इस तरह थैंक यू कहा। गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे, और पापा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, विच इज दिस कील्स अमेजिंग हैम्पर फॉर माय डैड। आई लव यू, हैप्पी फादर्स डे एवरीवन, गो एंड हग योर डैड, गो। पापा, यह शब्द एक ऐसे अनमोल रिश्ते का एहसास कराता है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना अधूरी है। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसका मुकाबला किसी और रिश्ते के साथ नहीं किया जा सकता। वे पापा ही होते हैं जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बचपन से छोटी चीज से लेकर जवान होने तक हमारी हर मांग को पूरा करते हैं पापा। पापा का साथ होता है तो बच्चा किसी भी असुविधा और असुरक्षा को महसूस नहीं करता है, और पापा एक ऐसी छत्र छाया की तरह होते हैं जिनके होने से हमें हर चीज सहज लगने लगती है। क्योंकि माँ का दर्जा दुनिया में सबसे ऊंचा और पवित्र माना गया है, मगर जिंदगी की पथरीली राहों में पिता हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। हमारी जिंदगी के पहले हीरो हमारे पापा ही होते हैं। फादर्स डे पर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अपने दोस्त और होस्ट प्रिंस गाबा को दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा, लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।